Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So this is Abhilasha Nadia, your general knowledge teacher from Lehar Public School. So students, today we are going to start our new chapter of your GK book, chapter number 26, page number 44. So today we are going to study about the financial literacy. Okay, we will understand the financial terms. Okay, the terms which use in day to day life. Okay, in banks, for the financial purpose, the terms which we use. So start with it. Insurance. First of all, what is insurance? Insurance is a contract between the insurance company, that is insurer, and the policyholder, that is insured. In return for a consideration, that is the premium, the insurance company promises to pay a specified amount to the insured when a specific events happen. Now, what is an insurance? Insuring एक ऐसा contract है, ठीक है? किसके बीच में contract है? Insurance company, जैसे insurer, जो insurance company है, जो आपको insurance दे रही है, वो कौन सी? वो क्या होगा? Insurer होगा and the policyholder. जिसने इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, उसको हम इंश्योर्ड बोलेंगे और पॉलिसी होल्डर बोलेंगे. तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं. इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, जो प्रीमियम है हम टाइम टाइम पे एक स्मॉल अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं. तो जब स्पेसिफिक टाइम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो प्रॉमिस करती है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट और आपका जितने भी इयर्स का था, आपने जितने भी टर्म का इंश्योरेंस लेकर रखा था उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड अमाउंट हम आपको देंगे व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट्स है, जिस भी पर्पज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस ली है, तो वो आप कैसे लोगे? वो कुछ मेडिकल सिचुएशंस हो जाती है, ठीक है, या फिर कार इंश्योरेंस हो गया, तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिलती है. तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक जब भी इवेंट हैपन होता है उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है. नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइफ इंश्योरेंस? फाइनेंशियल कवर फॉर कंटिजेंसीज लिंक्ड विद ह्यूमन लाइफ लाइक डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट एटसेट्रा. नाउ लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा कोई सिचुएशन हैपन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन लाइफ के साथ, जैसे कि किसी की डेथ हो गई या कोई डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से डिसेबिलिटी हो गई है, या फिर फायर एक्सीडेंट हो गया उसमें आपका कुछ आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, आप बर्न हो चुके हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे इंश्योरेंस कवर करता है, फाइनेंशियल कवर करता है. कौन सी इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज नॉमिनी. हु इज अ नॉमिनी? द पर्सन और पर्संस नॉमिनेटेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू रिसीव द पॉलिसी बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ. ठीक है, नॉमिनी कौन होते हैं? ऐसे पर्संस होते हैं जो पॉलिसी होल्डर जो है वो नॉमिनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि आपने लाइफ इंश्योरेंस बनाई हुई है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ए पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस बनाई है, उसने पॉलिसी होल्डर किसको बनाया है? अपने बेटे को या अपने बेटी को पॉलिसी होल्डर बनाया है. बट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसकी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे उस पॉलिसी का जो रिटर्न है, पॉलिसी का जो बेनिफिट है, वो किसको मिलेगा? वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनेटेड पर्सन को मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उस ए पर्सन का जो बेटा और बेटी जो भी है वो नॉमिनेटेड है, तो पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो किसे मिलेंगे? वो उसके बेटा या बेटी को मिलेंगे. ठीक है, जिसको भी नॉमिनेट किया है उसने, कोई जरूरी नहीं बेटा या बेटी को ही नॉमिनेट करना जरूरी है, आप किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वो सारी चीजें कवर करती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल पर्सन ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो उसे कोई बीमारी हो जाती है, तो उसमें कोई मेडिकल सिचुएशन में कोई सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर कुछ कोई हो सकता है कि बहुत सारा कोई मेडिकल अर्जेंसी आ गई, कोई एक्सपेंस हो गया, तो वो सारा एक्सपेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितने टर्म का है, कितने रुपीज का है, वो उस पर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट कवर होता है. नेक्स्ट इज होम इंश्योरेंस. होम इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ आवर होम, आवर हाउस एंड आवर हाउस होल्ड असेट्स एंड एक्सपेंसेस, एंड देयरफॉर सेफगार्डिंग आवर होम फ्रॉम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स शुड बी आवर प्रायोरिटी. होम इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंप्लीट प्रोटेक्शन. ठीक है, हमारे घर की कंप्लीट प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि हमारा घर हो गया, कुछ हमारे घर के जो हाउस होल्ड असेट्स हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसिव असेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद वो हमारे घर को बचा के रखते हैं. कैसे हो सकता है कि घर पर कभी आग लग गई हो, या फिर कोई नेचुरल कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो जिससे कि हमारे घर पे बहुत ज्यादा ऐसे नुकसान वगैरह हो जाता है, तो कोई ये सारी चीजों में क्या है आपका होम इंश्योरेंस कवर करता है. ठीक है, हमारे हाउस के लिए, हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इन इंडिया द नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स कम अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है, ऐसे बैंक्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं. इंडिया में द नेशनलाइज्ड बैंक्स और एंड द रीजनल रूरल बैंक्स कम अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक नेशनलाइज्ड बैंक है. ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, तो ये सारे के सारे बैंक्स इसमें आएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे बैंक्स जो कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ओन करते हैं. ठीक है, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट. उसे गवर्नमेंट नहीं ओन करती है, ना ही कॉपरेटिव सोसाइटीज ओन करती है. ठीक है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेशंस के थ्रू ओन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई एक्सेट्रा.
these are the few examples of private sector banks. Now checks ke bare mein padhte hain. Bearer check. When the words "or bearer" appearing on the face of the check is not cancelled, the check is called a bearer check. A bearer check is payable to the person specified in the check or to anyone who presents it to the bank for payment. A bearer bank kya hai? Bearer bank is something which appears on the face of the check. ठीक है? For example, ये एक check है, ठीक है? इसमें आपने for example X Y Z के नाम से क्या है? आपने बोल दिया उसका एक्स वाई जी के नाम पे चेक दे दिया, ठीक है? तो बियरर चेक में क्या होता है, वो एक्स वाई जी या फिर कोई भी उसके फैमिली का मेंबर वो वहां जाते हैं और चेक दे सकते हैं, बट ठीक है उसमें ऊपर कोई कैंसिलेशन नहीं होती, नाम के आगे कुछ ऐसे नहीं होता, कुछ टिक नहीं लगाया हुआ होता है। अगर ये टिक लगाया हुआ होता है तो वो ऑर्डर चेक हो जाता है। तो बियरर चेक जो भी चेक पे नेम लिखा गया है, ठीक है, और उसको कैंसिल नहीं किया गया है, उसी को हम बियरर चेक बोलते हैं। वो बियरर चेक जिस पर्सन के नेम पे चेक है वो भी जाके बैंक में पेमेंट, बैंक से पेमेंट ले सकता है, ठीक है, या फिर जिसके उसके बिहाफ पे अगर कोई और जाता है तो वो भी ले सकता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक। एन ऑर्डर चेक इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट कंटेनिंग वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी ट्रांसफरेबल। ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक का मतलब है सपोज दिस इज अ चेक, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी के नाम पे क्या है, चेक बना हुआ है, और इस चेक में क्या करते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं। प्रोहिबिट करना मतलब रोक देना कि हमने जिसके नाम से चेक दिया है आपको उस पे ऐसे टिक लगा दिया जाता है कोई, ठीक है, तो उसको अपनी जिस नेम से चेक दिया गया है उसी पर्सन को जाके पेमेंट लेनी होती है विद हिज और हर आइडेंटिटी प्रूफ। कोई और उसके बिहाफ पे ये चेक का पेमेंट नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज ओपन और अनक्रॉस्ड चेक। ठीक है, व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड इट इज नोन एज ओपन चेक और एन अनक्रॉस्ड चेक। ठीक है, ओपन चेक क्रॉस नहीं लगाया हुआ है कोई भी, फॉर एग्जांपल की चेक है तो उस पे क्रॉस नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम अनक्रॉस्ड चेक बोलेंगे। पेमेंट ऑन सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक। एन ओपन चेक मे बी अ बियरर चेक और एन ऑर्डर चेक। ठीक है, ये देखो चेक है, ठीक है, इसको इशू करने के लिए क्या किया, या तो इस पे कोई कैंसिल नहीं, इसको कुछ कैंसिल नहीं करता, नॉर्मल चेक होता है, ठीक है, किसी के नेम पे नॉर्मल चेक बनता है, दैट इज बियरर चेक और ऑर्डर चेक, या फिर जिसको हम ओपन या अनक्रॉस्ड चेक भी बोलते हैं। ठीक है, now cross check kya hota hai, crossing a check means drawing two parallel lines on the face of the check with or without adding words like and company or account payee or not negotiable. A cross check cannot be encashed at the cash in counter of a bank, it can only be credited to the payee's account. A cross check mein kya hota hai, two parallel lines aise cut kar diya jata hai, theek hai, ye cross check hota hai. Isme hum koi words nahi likhte hain ki kisko hum de rahe hain, for example and company hum kisko de rahe hain, ya fir account payee ka naam, ya not negotiable etc, hum kisi ko bhi kya hai ki check nahi dete hain. और क्रॉस चेक को हम इन कैश नहीं करवा सकते हैं, या फिर हम बैंक अकाउंट में उस चेक से हम अकाउंट पेमेंट नहीं करवा सकते हैं, इट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू द पेज अकाउंट। ठीक है, खाली हम उस चेक के थ्रू से उस चेक का जो भी जिस भी पर्सन का वो चेक है उसके अकाउंट में अगर हमें पैसे दिलवाने हो तो हमको पैसे दिलवा सकते हैं, दैट्स इट, दैट इज क्रॉस चेक। नाउ नेक्स्ट इज income tax. An income tax is a government levy or tax imposed on individuals or entities, that is taxpayers, that varies with the income or profit, that is taxable income of the taxpayer. Income tax kya hai? Government jo hum pe tax lagati hai, theek hai, government individuals pe ya entities pe jo tax pay karte hain un pe jo tax lagati hai, theek hai, jo unke income ke according kya hota hai unka tax lagta hai, usko hi hum kya bolte hain, tax, income tax bolte hain. Government ki aapki income for example 1 lakh hai to 1 lakh mein se aapko 10 lakh rupees 10000 rupees jo hai government ko as a tax dena hota hai, theek hai, for example this is just an example, okay. तो इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को जो टैक्स इंडिविजुअल्स पे या फिर एंटिटीज पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, उनके प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, उनके इनकम्स के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी, टर्म सुना होगा आपने। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन जुलाई 1, 2017. It is applicable throughout India and replaces multiple cascading taxes levied by the central and the state government. GST आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, और ये जो टैक्स है कहाँ पे एप्लीकेबल है, थ्रू आउट इंडिया ये एप्लीकेबल होता है, और इसके अंदर जो और भी मल्टीपल कैस्केडिंग का मतलब है कि मल्टीपल जो टैक्सेस, ठीक है, और दूसरी चीजों पे, जैसे सर्विस टैक्स हो गया आपका, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इसी के इन सबको क्या कर दिया है, सर्विस टैक्स, आपका एक्साइज ड्यूटी टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इसी के अंदर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स एट द फॉलोइंग रेट्स, किस किस रेट से, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% अकॉर्डिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है डिफरेंट रेट से लगाए जाते हैं। The single GST replaced several formal taxes and levies, which included central excise duty, service tax, additional custom duty, surcharges, state level value added tax, and octroi. अब देखिए, single GST ने बहुत से दूसरे types के जो taxes थे, जो लगते थे, उनको remove कर दिया है, replace कर दिया, जैसे कि central excise duty लगती थी, service tax लगता था, या additional duty, custom duties, state level value tax लगते थे, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो charges हैं, वो goods and service tax ने क्या कर दिया, replace कर दिया, और इन सबको मिला के single tax बना दिया है। So class, this is all about this chapter. Now I will send you the PDF of this chapter and exercise of this chapter. Please complete it as soon as possible and send it to me. Thank you for listening to me so patiently.